आंटी आंटी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं समझाता हूँ ना घर वालों को। बेटा तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, चाहे खुद समझो चाहे अपने सारे खानदान को समझाओ। ये शाहीन जेट तैयारा तो अब टोरंटो एयरपोर्ट पर जाकर रुकेगा। चलो रूमी की माँ। आंटी समझाऊँ ना कुछ आंटी को। मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारा और मम्मा का मसला है, मेरा क्या है, मैं टोरंटो जाके वीडियोस बना लूंगी। हटो। रूमी रूमी क्या हो गया? बिल्कुल ठीक नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। हाँ, तो वो भी तो खुद को सचमुच का जेट तैयार समझ रही है, पहले जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा दी और अब डंडे के जोर पे तुम्हारी रुखसती कराने पे तुली हुई है। मुझे नहीं पता चाची, अगर वो लेके चली गई ना रूमी को कनाडा तो तुम सी ऑफ करने चले जाना एयरपोर्ट और वहाँ से वीडियो बना ले। सी ऑफ नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ आप लोगों को छोड़ के उनके साथ कनाडा, अगर 7 दिन में मेरी शादी ना करवाई चाची। अरे मेंढक को भी जुकाम हो गया, कहाँ है ये सफू भाभी, कहीं उर्दू के सफर पे तो नहीं निकल गई? जान मुझे तो सचमुच रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? 19 साल का बेटा है मेरा। तो चची क्या हो गया, 19 साल के जवान लड़के की कोई छोटी बहन या छोटा भाई नहीं हो सकता क्या? लोग क्या कहेंगे चांद? अरे लोगों की परवाह ना किया करें, लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना ही होता है। और बाबू भैया क्या सोचेंगे? भाऊजान क्या कहेंगे, वो तो खुश होंगे, वो कहेंगे मेरा एक छोटा भतीजा या भतीजी आने वाला है। चांद देखो कसम है तुझे। किस बात की? देखो घर में किसी को भी नहीं बताना, मैं और सलीम जो है ना वो अपने तरीके से बताएंगे सबको। ठीक है, लेकिन आपको भी कसम है फिर? किस चीज की? आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम तारा के हॉस्पिटल गए थे और आपकी मुलाकात उसकी वालदा से हुई है? तौबा यार, इतनी खड़ूस औरत थी कसम से, आंखें तो ऐसे माथे पे सजा के रखी थी उसने जैसे कि मैं फीस में रियायत मांग रही। वैसे कितनी फीस ली तुमसे उसने? मुझसे तो कोई फीस नहीं, मुझसे तो कोई फीस नहीं ली, आपसे ली है क्या? नहीं, फीस तो मुझसे भी नहीं ली। और आपने दी भी नहीं? तुमने उसने कुछ कहा ही नहीं। बहुत इसका मतलब है जान के खानदानी लोग हैं।